सब्जेक्ट लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम बीएड फर्स्ट ईयर। हमारा टॉपिक है सहस्वर वाचन, लाउड रीडिंग भी जिसे कहा जाता है। सहस्वर वाचन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जबकि हमें सहस्वर वाचन की आवश्यकता होती है। गेक के अनुसार शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण कर सकने की क्षमता को सहस्वर वाचन कहा जा सकता है, अर्थात हमारे उच्चारण में किसी प्रकार का दोष न हो। सहस्वर वाचन की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट, शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान। बालक को शब्दों की ध्वनियों का उचित ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी वह सहस्वर वाचन में निपुण कुशल हो सकता है। सेकंड पॉइंट, शब्दों का अर्थ। जब तक बालकों को उचित रूप से अर्थ ग्रहण नहीं कराया जाएगा, तब तक वे पाठ में रुचि नहीं लेंगे। इसलिए एक अध्यापक को चाहिए कि शब्द के साथ उसका अर्थ भी बालकों को बताया जाए। थर्ड पॉइंट, वाचन का ढंग। बालक के वाचन में विविधता होनी चाहिए, अर्थात वीरता से युक्त उक्तियों, करुण रस से उत्प्रोत स्थल तथा साधारण वर्णात्मक पाठ, इन सबके वाचन में कुछ न कुछ अंतर अवश्य रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, विराम चिन्हों द्वारा किसी भी पाठ को समझने में बड़ी सहायता मिलती है, इसलिए बालकों को पढ़ाते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, स्पष्टता, क्लियरिटी। बालक जो कुछ भी पढ़े पूर्णतया स्पष्टता के साथ उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सिक्स पॉइंट, रुचि या इंटरेस्ट। वाचन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें पाठ के पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। बालकों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि उन्हें पढ़ने में रुचि जागृत हो, अन्यथा वे आनंद नहीं आएगा। इसलिए इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि बालकों को वही कुछ पढ़ने को दिया जाए जो कि उन्हें अच्छा लगे। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सहस्वर वाचन में उपयुक्त सभी विशेषताओं को होना, अर्थात बालकों को वाचन कराते समय उपयुक्त बातों का एक अध्यापक को ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आज का बालक ही कल का एक सभ्य नागरिक बनेगा। उसे अपने हर अग्रणी कदम कदम पर सहस्वर वाचन की अति आवश्यकता होगी। जैसे सभा संगोष्ठी में जाना, अपना अभिभाषण देना होगा, अभिनंदन पत्र, विभिन्न घोषणाएं आदि भी पढ़नी या बोलनी होगी। और एक छात्र या बालक नागरिक इसको करने में तभी सफल हो सकेगा जबकि उसका सहस्वर वाचन का अभ्यास श्रेष्ठ या अच्छा होगा। इसलिए अध्यापक को बालक को पढ़ाते वक्त उसे सही सही उच्चारण करना सिखाया जाना चाहिए और उपयुक्त बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।